क्वेश्चन नंबर 16, 16 है हमारा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट 2x+5, फिर माइनस का एक्स प्लस वाई और x+3, ठीक है। अब देखो माइनस के इस तरफ देखो और माइनस के इस तरफ देखो, ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों के पास है, तो वो है हमारा ये ब्रैकेट, क्या x+y, ये माइनस के दोनों साइड है, तो हम इसी को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लोगे तो कॉमन वाली चीज इधर लिख दो, इसको कॉमन लिया, फिर लगाओ ब्रैकेट। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां किससे करूं कि ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाए, तो ये 2x+5 से करनी पड़ेगी। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर आ गए, अब ये माइनस लगाया, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई x+y की किससे करें कि ये पूरा बन जाए, तो वो है x+3 से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे ऐसे ही आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे ये दोनों आ जाएंगे ब्रैकेट, ये और ये यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो मैं यहां पर आपको ये ब्रैकेट रफ में सॉल्व करना सिखा रहा हूं, किसको, 2x+5 को और माइनस के x+3 को, ठीक है। थोड़ा सा यहां समझते हैं, तो देखो ये 2x+5 तो ब्रैकेट ऐसे ही आएगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो गई, तो अभी x पॉजिटिव था, माइनस की वजह से मल्टीप्लाई की, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब माइनस की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो अभी तो 3 पॉजिटिव था लेकिन इस माइनस की मल्टीप्लाई की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए नहीं समझे, और समझो 2x ये है और माइनस का x ये है, तो 2x में से एक x चला गया तो x बचेगा, सिंबल उसका आता जो बड़ा, तो 2 बड़ा है 1 से, यहाँ 1x लिखा है ना, तो 2 का सिंबल आएगा पॉजिटिव। अब इधर देखो ये प्लस का 5, ये माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 का कितना बचा, प्लस का 2, यानी कि इसको सबको सॉल्व करके x+2 आएगा, तो x+y तो ऐसे ही रहा और इसकी जगह क्या आएगा, x+2, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।